नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबाला रोड पे, एक गांव पड़ता है डेरा, जहां पे हमारे बहुत ख़ास मेहमान, बहुत ख़ास पेशेंट रहते हैं। उन्होंने अपने गांव में हमें आमंत्रित किया है क्योंकि हमें जानना था उनकी सेहत का हाल, वो कितने स्वस्थ हैं, कितने सेहतमंद हैं, हकीम साहब के किस नुस्खे से उनको फ़ायदा हुआ है और कितने लोगों की वो कर रहे हैं खिदमत। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है प्रेमचंद धीमान सर। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हकीम साहब से आप कब से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े और आपको परेशानी क्या थी? परेशानी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बुढ़ापे में परेशानी हो ही जाती है, लेकिन हमारे ECH हॉस्पिटल हैं आर्मी के, वहाँ से हम दवाई ले लेते थे, दवाई खाई, कुछ दिन में आराम हो गया, फिर हो गई। तो 2 साल से मैं अपने TV के पास बैठा हुआ था, तो इत्तेफाक किया वो बटन ऑन हो गया, तो उसमें वैद्य जी की फोटो आई, साथ में आपकी थी। जी 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 सर जी। तो मैं सुनता रहा जी। तो इस बीमारी के लिए ये है, इस बीमारी के लिए ये है, तो हमारा जो मन है कुछ ऐसे उत्साहित हुआ कि हम इनकी दवाई खा के देखें। तो चलो, हमारे पास इनको जगह मिल गई, हमने दवाई मंगाई, वो खा रहे हैं, जिसमें सोरायसिस की दवाई बाद में आई है, सिर का दर्द, चक्कर और दर्द जी, इसकी दवाई है, तो हम खा रहे हैं, ठीक ठाक हैं। और जहाँ तक मेरे उम्मीद है कि ये इस दवाई से जो हम मंगाते हैं और तकरीबन तकलीफ हमारी ठीक हो गई है। दवाई बता सकते हैं आप कौन कौन सी है? गोंदशिया, ठीक है, और LKR कैप्सूल, KR कैप्सूल वो एलर्जी के हैं, और ये माजून आर के ये आप खा रहे हैं, ठीक है। तो हकीम साहब के जो नुस्खे हैं वो और लोगों तक भी आप बताते हैं सर? हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, हमारे पास जो बैठता है दर्द वर्द के लिए, तो हम तो कह देते हैं भाई, तो हम तो वहाँ से दवाई मंगाई है, हमें ठीक ठाक है, हमें कोई दिक्कत पाई नहीं। अगर आपको मंगानी है तो बताओ, हम आपके नाम पर हम वैद्य जी को एड्रेस दे देते हैं। दवाई मंगानी है आपकी जिम्मेवारी है, पैसा देना आपकी जिम्मेवारी है, तो हम कह देते हैं। कोई कहता है ठीक, बताते नहीं है वैसे बता देते हैं, खासकर इन दवाइयों के बारे में और नशे के बारे में, ठीक है। तो घर में कौन कौन है? घर में ये 2 बहुएं हैं, 2 लड़के हैं, बाहर हैं, 2 पोते हैं, 3 पोतियां, 1 शादीशुदा है, एक ये खड़ी है, एक छोटी है, 5-6 साल की बच्ची हो गई हुई है, 2 लड़कियां करनाल हैं, ठीक है, और ये एक शाहबाद से, एक यमुनानगर से हैं, छोटा परिवार, सुखेदार। उम्र कितनी है सर आपकी? क्या अभी भी आप कोई काम करते हैं या खेतीबाड़ी? नहीं, अब तो सिर्फ ये है, शाम सवेरे खाना खाओ, रब का नाम लो, और काम कुछ नहीं, घूमना फिरना काम है। अच्छा। और थोड़ा सा कोशिश भी करते हैं कि मेरे ये जो घुटने हैं, ये ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो उसमें फिर हमने हमारे को ये केस रेफर किया था हमारे ESC हॉस्पिटल ने पंचकुला में, अल्केमिस्ट में, ये सर्जरी कर दी थी उन्होंने, ये देखा सर्जरी कर दी। ये 2013 में, 9 साल हो गए जी। आपने सर्जरी के बाद दवाई शुरू की है, गोंसिया? ये तो अभी दो महीने हो जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। ये तो 2013 का केस था जी। अच्छा। 9 साल हो गए। उस वक्त तो हमें पता नहीं था, चलो ये तो TV हमारे पास यहाँ था, फिर इनका TV अलग है, मैं अपना अपने उसमें बैठक में अलग चला गया था, वहाँ देखते रहता हूँ। आपने कई साल पहले पैरों की सर्जरी करवाई थी? हाँ, फिर आपने अभी हाल फिलहाल में हकीम साहब का गोंसिया इस्तेमाल किया? हाँ। क्योंकि सर्जरी के बाद भी दर्द उठ गया है? दर्द नहीं, वो दर्द वो नहीं है। हाँ। जो दर्द हम बता रहे हैं वो दर्द नहीं है। हाँ। ये दर्द सर्दी की वजह उठने बैठने में तकलीफ है, बाकी घूमने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है। तो गोंसिया से आपको अब आराम है आपको? चलिए, कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? ये तो मैं खाते खाते इसको महीना हुआ था, तो महीने के बाद थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा था कि आराम आ रहा है, उठने बैठने में कम तकलीफ होने लगी। चलिए सर, हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एक सही प्रोग्राम से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं कि अगर जैसे हमारे गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां हैं, ऐसे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुल जाए तो गरीबों का भी कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। जो दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयां हैं, वो कॉस्टली भी हैं, महंगी भी हैं, बाकी गरीब आदमी के लिए टाइम पास करना बड़ा औखा हो गया है आजकल, और मारी मारी हो रही है।
घर के नुस्खे अपनाते हैं आप हकीम साहब के? हाँ घर के नुस्खे हाँ कौन सा? कुछ हम दो चार हमने वो लिखे भी हैं, शहद है, पीपल है, मेथी है, सौंफ है, गनिया है, पेट का ही तो नुस्खा हाँ, पेट का जी ये लिखे हैं छह चीजों का। हाँ और जो जुकाम हो जाता है मीठा सोडा और मेथी वो लगा लो है जी, और मग पीपल जो है मुंह में चबा लो, बस वो ऐसे ऐसे दो चार लिखे हुए हैं, करता रहता हूँ उनको बैठे बैठे। तो हकीम साहब के नुस्खे भी और दवाइयाँ आप अच्छे से समझते हैं, सर लिख लेते हैं? कुछ लिख लेता हूँ कुछ ऐसे समझते। अच्छा याद रहता है आपको। तो अब तो किसी को भी अगर पेट की दिक्कत परेशानी होगी या फिर घुटनों में दर्द होगा तो आप तो सर मुंह जबानी बता देंगे, देखो छह चीजों का ये नुस्खा है और गौन सी है आपके दर्द के लिए। चलिए सर बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको आराम मिल रहा है। और आपके घर परिवार में कोई और भी हकीम साहब की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा है? नहीं और कोई नहीं, सिर्फ आप ही कर रहे हैं सर। अगर कोई ज़रूरत होगी, अगर परिवार में या मोहल्ले में कहीं ज़रूरत होगी तो हम उनको बताएंगे, अगर वो कहेंगे तो दवाई मंगा देंगे। ठीक है सर, प्रोग्राम जैसे कि टीवी पे बहुत आते हैं, अभी आपने कहा भी कि एडवर्टीजमेंट इतने सारे हो गए हैं अब तो प्रोग्राम से फिर क्या दूरी बन जाती है जब एडवर्टीजमेंट बीच में आ जाते हैं। तो आपने और भी वैद्य देखे होंगे, और भी हकीम डॉक्टर्स सारे आपने अपने अनुभव से देखे ही होंगे कि किसका कैसा इलाज होता है। तो हकीम साहब पे विश्वास कैसे आया सर? विश्वास उनकी बातचीत से हमारे तो यूँ आया, मैं आपने बताऊँ, अभी तो इतनी चीज़ याद रहती है, बुढ़ापा होता है जी, जी।, जी कोई कैसी एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई कैसी या नहीं वो बता नहीं हो सकता, लेकिन हमें उनके इलाज के ऊपर जो है हमें विश्वास नहीं है। ये कर लो, 15 दिन कर लो, 20 रोज कर लो, कोई पगड़ी वाला आएगा, कोई दाढ़ी वाला आएगा, कोई किसी तरह आएगा, लेकिन हमने जो हमारे भी बुजुर्ग पहले कह देता था, ये गांव हमारा मुसलमान राजपूतों का था, ये पूरा गांव। अच्छा। बंटवारे के बाद वो चले गए, कुछ रह गए यहाँ, तो हमारे बुजुर्ग भी बता दिया करते हैं, ये काली मिर्च का ये फ़ायदा है, भूरी मिर्च का ये फ़ायदा है, बादाम का ये फ़ायदा है, अखरोट का ये फ़ायदा है, कुछ जो नुस्खे हैं हमारे बुजुर्गों के बताए हुए वो भी हमारे दिमाग में है। तो वैद्य जी जो हमें ये बताते थे, ये लहसुन खाओ, प्याज खाओ, 1 लीटर वो लो, गोंद मोनिका सफ़ेद लो, या वो सिरका जी वो लो, तो वो चीज़ों उन चीज़ों को देखते हुए हम समझते हैं कि ये काली मिर्च भूरी मिर्च ये ठीक है जी। आँख हमारी क्यों ठीक है, चश्मे हम लगाते हैं दूर के लिए, पढ़ते हैं हमारे ज़रिए, हम ये अखरोट और बादाम भूरी मिर्च ये खाते हैं नवंबर दिसंबर अप टू जनवरी जी सर्दी में, आँख हमारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आँख एकदम ठीक है, चश्मे लगाता हूँ सिर्फ दूर के लिए। उम्र कितनी बताई थी आपने? 78 के आप हैं सर, बताइए अब तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। हाँ हमारा ही बच्चा है, हाँ है नेहा, हाँ तो अब जो BLLB कर रहा है लड़का, ला के तैयारी कर रहा है, उसको चश्मे लगे हुए हैं, ये गुड़िया हमारी खड़ी है, हम इसको कहते हैं तू अंदर के बिना बाहर बैठा कर, बिना चश्मे के पढ़ो, घूमो फिरो, ये शहरों का वातावरण नहीं है, हमारा गाँव का वातावरण फिर भी शुद्ध है। बहुत अब आप देखते होंगे कि सिर्फ ये है, उनके पास कोठियां हैं, हमारे पास कोठे हैं, उनके पास एयर कंडीशन वो है, हमारे पास यही एयर कंडीशन है जो बिल्कुल मानते हैं इसी, तो खुला एयर कंडीशन है, खुला है बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हमारे पास अगर बरसात हो जाए तो 10-20 आदमी तो यहाँ खाना खा आराम से, आराम से, ठीक है जी। तो यही चीज़ हमने बाहर हमारा जहाँ हम सोते हैं वही चीज़ें वहाँ बनाई हुई है। तो हमारे जो घर से थी वो इतनी गैर नॉलेज की औरत थी, उसको हमारे से वो 2 क्लास कम पढ़ी लिखी थी, अगर 8 थे तो वो 5 थी, लेकिन नॉलेज उसकी बहुत थी, घर को चलाने में, पिसाने में, दूध के लिए, अन्न के लिए, धन के लिए बहुत, चलो नहीं उसका साथ जितने का था वो हो गया, वो चली गया बैठे। वातावरण के लिए अभी हम कहते हैं शहरों से वातावरण हमारा फिर भी शुद्ध साफ है, ये बात। लोग शहरों से गांव में ही तो आते हैं, और कोरोना के वक्त में आपने सर देखा भी होगा लोग गांव में आ रहे थे शहर छोड़ के क्योंकि गांव वाले कोरोना से मुक्त थे जी। और कोई केस हमारे यहाँ कोई आसपास में हुआ भी नहीं, कोरोना कराना का कुछ भी नहीं है, बाकी ये है भी गांव में थोड़ा सा गफलत है, ये गाय का गोबर है नहीं जगह तो इसके बगल में डाल दो, पीछे कर दो, थोड़ी अपनी गफलत, लेकिन अगर चाहे तो गाँव भी हमारा साफ सुथरा और अच्छा बन सकता है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सेहत का हाल जान के, लेकिन चलते चलते अगर आप अपने मन की कोई बात हकीम साहब के लिए कहना चाहते हो आप कह सकते हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली इंटरव्यू लेके जाएंगे तो वो देखेंगे ये इंटरव्यू। हम तो यही हमने बीच में सुना था कि वैद्य जी हमारे संन्यास लेने वाले हैं जी आपको याद होगा कि मार्च में संन्यास लेंगे
या अप्रैल में लेंगे या इस गर्मियों में लेंगे, तो हम तो यही कहते हैं कि इतना तकिया जी रहे हैं तो अपनी जो हमारी जो तकलीफ़ है वो सुन लेते हैं, हमारे दुआई बता देते हैं, उनकी दुआ हमारे साथ है, हमारी दुआ उनके साथ है। हम तो ये कहेंगे कि भगवान ऐसे ऐसे शख्स हैं समाज में हों और जिनसे इसी काम के चलते हम दुनिया में भलाई होती है। हम तो ये कहेंगे हमारे उनसे नमस्कार कहना है, जय हिंद कहना है, अदावाज कहना है, और जहाँ तक भी सिर्फ ये है कि हम आपसे हमारी आमने सामने बात नहीं हुई, हमने कोशिश की है वहाँ बैठे जी जी तो हमारी आमने सामने बात नहीं हुई, लेकिन जो वो बताते थे या जो भी आप फलाना कहाँ से हैं, फलाना कहाँ से ऐसे ही मानेंगे ना आप जी जी ऐसे कहाँ से हैं, तो हम वो नोट कर लेते थे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने गाँव में हमें बुलाने के लिए, और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं तो कहूँगा कि फिर भी कभी जी एक हमारा मेला लगता है माता का यहाँ, ये अभी चैत में है, बहुत अच्छी मेला है, और एक जो भादवे के महीने में लगता है ना, दो नवरात्रे हैं तो यहाँ पर वो आता है, दो मेले लगते हैं बहुत अच्छे, बड़े बड़े दूर के यहाँ आते हैं, तो कभी आओ मिल के ज़रूर जाना। और आपके आने का और भाई साहब बैठे हैं आने आने का बहुत धन्यवाद हमारे सिर पर। दर्शकों, आप सभी ने सुना भी सर को कि वो हकीम साहब से जुड़ के कितने सेहतमंद हो गए हैं, तो आप लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है ये समझने की कि एक सही ट्रीटमेंट कौन सा हो सकता है। घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट से आप जुड़ सकते हैं। हमें प्रेमचंद धीमान सर ने अपने गाँव में आमंत्रित किया, उनके घर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनकी सेहत का हाल जान के। तो अगला नंबर आपके घर का हो सकता है, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।